आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। लवजिहाद में फंसी महिला खा रही दर दर की ठोकरें। श्रावस्ती जनपद के जमुना क्षेत्र में लवजिहाद का मामला सामने आया। दरअसल बलरामपुर अस्पताल में आया का काम करने वाली एक विधवा महिला ने से जमुना के डिलवा निवासी युवक ने अपना धर्म छिपाकर पहले शादी रचाई, फिर 7 साल बाद धोखा देकर फरार हो गया। किसी तरह युवक का पता लगा तो जब महिला बच्चों के साथ उसके पास पहुंची तो उसे अपने साथ रखने के लिए इनकार कर दिया। लवजिहाद से जुड़ा यह मामला उजागर होने पर पीड़िता परेशान है। श्रावस्ती पुलिस मामले को लखनऊ से जुड़ा पता कर चुप्पी साधे रही है। मामला मल्लीपुर थाना क्षेत्र के जमुना पुलिस चौकी का है। पीड़िता उर्मिला ने बताया कि लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में आया का काम कर रही अपने 2 बच्चे पप्पू और प्रेम पुत्रगढ़ रामानंद का लालन पालन कर रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात हसनगंज मोहल्ला निवासी राजीव पुत्र अली अहमद से हुई, जो कि लखनऊ में अपना और धर्म बदल कर रह रहा था। पहले उसने अपने को हिंदू बताते हुए 7 साल पहले पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में विवाह किया। शादी के बाद उसे एक लड़का हुआ। लखनऊ के हसनगंज थाने में राजू का नाम से मामला दर्ज होने के बाद वह भाग कर अपने घर जमुना पुलिस चौकी क्षेत्र के बरगदहा में आ गया। हसनगंज पुलिस ने जब उसके पति राजू को हाजिर करने के लिए उस पर दबाव डाला तो राजू ने उर्मिला को मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। इसके बाद राजू के कुछ कागजात में आधार कार्ड नंबर रजिस्ट्रेशन मिला। उसके आधार से उसका नाम पता शफीक अहमद पुत्र अली अहमद निवासी डिलवा बरगदहा होने की जानकारी हुई। घर पहुंचने पर पीड़िता को पति के पिता अली अहमद ने घर में जाने से रोक दिया। महिला अपने पति से मिलने जब बूढ़ी राप्ती नदी के रामपुर घाट पहुंची तो अली अहमद के परिजनों ने लाठी डंडे से मारने के लिए दौड़ा लिया। पीड़िता व बच्चों के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने आकर उसकी जान बचाई। बाद में महिला को बच्चों सहित जमुना पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं जमुना पुलिस चौकी प्रभारी ने मामला लखनऊ का होने की बात कहकर महिला को लौटा दिया। बड़ा सवाल यह है कि महिला को न्याय मिलेगा या फिर महिला उसी के सहारे छोड़ दिया जाएगा। मामला है ये भैया डालीगंज से, एक शनिचर वाली रात को ये घर को अपने चले आए। कहें हम कि वहाँ मारपीट का लड़ाई का झगड़ा था, ये घर अपने चले आए और हम बार बार फ़ोन लगाते हैं इनके पास, हमारा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। कौन घर को चले आए? ये राजू चले आए घर पे, वहाँ इनका नाम राजू ही है, यहाँ दूसरा नाम है और वहाँ नाम राजू ही है। तो पुलिस वाले हमारे पास गए तो हम बहुत परेशान बहन, तो हम कहा कि अब जब हमने बहुत परेशान भय तो इनकी खोजने लगे बक्से में, तो इनकी रिसीवी निकली यहाँ की, और हम रिसीवी निकली तो उसमें हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, तो उसमें हमारी इनकी शादी हिंदू तरफ से भई थी, रजाबंदी शादी, जो इनका नाम है राजू, हम नहीं जानते थे ये मुस्लिम है। और जब हम इनकी रिसीविंग देखा और जब पुलिस वाले गए तो हम यहाँ पूछते पूछते हम यहाँ आए। किस जनपद का मामला? किस जिले का मामला? ए डालीगंज का मामला है। यहाँ पे जो राजू रहने वाला कहाँ का? अरे इसका ना ही भूल जाते भैया, बरगदहा का मामला है, कानो है बंधेपुर का मामला है। नहीं, किस जिले का मामला है, किस थाने में आता है? मल्लीपुर थाना जनपद, हम भुला जी भैया यहाँ का इतना है। कस्ती कहाँ का है? मल्लीपुर थाना श्रावस्ती का जिला श्रावस्ती गाँव का बरगदहा गाँव का है भैया। आपने जो है यहाँ पे पुलिस चौकी में तहरीर दी? हाँ हमने दी।